नाम क्या है किसी को नहीं पता, मेरा बॉयफ्रेंड कौन है संजू या बैच 99 ये भी किसी को नहीं पता, मैं कहाँ रहती हूँ ये भी किसी को नहीं पता, मेरा एज कितना है ये भी नहीं पता आप लोगों को, मैं कौन से क्लास में पढ़ती हूँ ये भी नहीं पता। तो आज की इस वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाले, एवरीथिंग ए टू जेड। वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो कैसे हो आप लोग, आई होप सब लोग अच्छे होंगे। सो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार वीडियो होने वाला है। सो गलती से भी वीडियो को मिस मत करना, बिकॉज आज मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो आज तक मैंने कभी भी नहीं बोला। ओके गाइस, सो आज का ये वीडियो होने वाला है Q&A वीडियो, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो होने वाला है। एक Q&A मैंने बनाया था, 50K सब्सक्राइबर भी मेरा, लेकिन आज 180,000 से भी ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर हो गए। तो आज मैं एक और Q&A बना रही हूँ, और इस Q&A में सारा कुछ क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज आज मैं सब कुछ बोलने वाली हूँ, मेरे बारे में सब कुछ, एवरीथिंग ए टू जेड सब कुछ बोलने वाली हूँ। सबसे पहला जो बोलने वाली हूँ वो है मेरा नाम। मेरा नाम आज तक मैंने किसी को भी नहीं बोला, तो किसी को भी नहीं पता। सब लोग बोलते आपका नाम ये है फलाना है ढिमकाना है, सब लोग बोलते, बट मैंने आज तक मेरा रियल नाम मैंने किसी को भी नहीं बताया। तो आज मैं मेरा रियल नेम बताने वाली हूँ, जो कि आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता। एंड आज मैं वो भी बताने वाली हूँ कि मेरा घर कहाँ है, मैं कहाँ पे रहती हूँ, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो बहुत बार कमेंट करते हो आप लोग कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, तो मैं ये चीज़ भी क्लियर करने वाली हूँ आज। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना गाइस, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और शेयर कर दो, पूरी जगह पर शेयर कर दो। सो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो। गाइज अभी मैं आप लोगों को मेरा नाम बताने वाली हूँ, एंड जिस भी लोगों को लगता है कि मेरा नाम आफरीन है फलाना है ढिमकाना है, सो आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन मिले हैं। सही इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, बिकॉज मेरा नाम है, मैंने आज तक सोशल मीडिया पे नाम यूज़ ही नहीं करा, तो आप लोगों को कहाँ से पता लगेंगे, है ना। तो सही इन्फॉर्मेशन मैं देने वाली हूँ, और आज मेरा नाम मैं बताने वाली हूँ। देखो गाइस, खुद का नाम किसी को अच्छा नहीं लगता, बट देखो ये चीज़ होती है ना, मम्मी पापा रखते तो इसी को अच्छा लगने लगता है फिर, ठीक है। गाइस अभी मैं अपना नाम बताने वाली हूँ। देखो मैं बड़े बड़े अक्षरों पे लिख भी दूंगी कि मेरा नाम है क्या एक्चुअली, जिसको मेरे मुंह से समझ में नहीं आया आप लेटर पढ़ना, जिसको लेटर समझ में नहीं आया वो मेरे मुंह से सुनना, ठीक है। सो गाइस मेरा नाम है रजिया। सो आप लोगों को समझ में आया नहीं आया, ठीक है, वापस से बोलती हूँ, मेरा नाम है रजिया। ओके गाइस, सो आप लोगों को मेरा नाम कैसा लगा कमेंट में बोलना। एंड मैं सोच रही हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल का नाम मैं शहजादी हटा के रजिया रख लूँ, तो आप लोगों को क्या लगता है, शहजादी हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए ये बोलना, क्योंकि मुझे अपना सिल्वर प्ले बटन में तो शहजादी है, लेकिन गोल्डन प्ले बटन में मुझे अपना खुद का नाम चाहिए रजिया, ठीक है। सो आप लोग बताना मैं क्या करूँ। ओके गाइस, आज मैं आप लोगों को मेरा सब कुछ सही इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी मेरे एज कितना है और मैं कौन सी क्लास में पढ़ रही हूँ। ओके गाइस, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, तो वो क्लियर करने वाली हूँ मैं अभी। तो गाइस मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 2003। ओके, तो मेरा 20 साल चल रहा है, और मैं अभी 12th में पढ़ाई कर रही हूँ, मतलब 12th में अभी एग्जाम देने वाली हूँ। तो ये तो है कि मेरा 20 साल है, बट अभी तक मैं 12th में हूँ ये सोच रहे होंगे आप लोग। सो इसको भी क्लियर कर देती हूँ मैं। देखो मैंने 10th का एग्जाम देके मैंने गैप छोड़ दिया था, 2 साल मैंने वेस्ट कर दिया। मैं 10th का एग्जाम देके मैंने सोचा था मैं और पढ़ाई नहीं करूँगी, बट गाइस जैसे जैसे मैं 2 साल बैठी रही, फिर सब लोगों ने बोला कि शादी करवा देते, मतलब लड़के देखने आते रहते कि पढ़ाई नहीं करते तो शादी करवा देते, क्या ही करेंगे घर पर बैठ के। फिर मेरे 2 साल बाद मेरे दिमाग की बत्ती चली कि अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो घर में कोई जगह नहीं है आपके लिए। सो मैंने सोचा चलो एडमिशन कर लेते हैं। फिर मैंने 11th की पढ़ाई की, अभी 12th चल रहे हैं। देखो 2 साल मैंने अपनी लाइफ का वेस्ट कर दिया। फिर मुझे पता चला कि पढ़ाई नहीं करोगी तो आपका शादी कन्फर्म। सो गाइस लड़कियां जो भी हो, प्लीज़ गलती से भी पढ़ाई मत छोड़ना, बिकॉज आप पढ़ाई छोड़ोगे ना तो आपको तुरंत शादी करवा देंगे। तो इसी के डर से मैं फिर से पढ़ने लग गई, हालांकि मेरा मन नहीं लगता पढ़ाई में इतना, क्योंकि मैं कुछ और सोचती हूँ, मेरे को यूट्यूब करना है, मेरे को ये करना है वो करना है, पढ़ाई बहुत ज़्यादा कम करती हूँ मैं। बट ठीक है यार, एग्जाम अच्छे से दूंगी और पास तो जरूर करूंगी। तो आप लोगों को आई होप ये भी चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। सो गाइस अभी मैं आप लोगों को मेरा फुल एड्रेस बताने वाली हूँ कि मैं कहाँ पे रहती हूँ।
यार सच में बताने वाले हो, आप लोगों को बिलीव नहीं होते, चलो बताते। तो गाइस मैं रहती हूँ तेजपुर असम, ठीक है, तेजपुर असम पे मैं रहती हूँ। आप लोगों को पता ही होगा मैं सब टाइम बोलती हूँ मैं असम पे रहती हूँ, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ पे रहती हूँ वो नहीं बोला मैंने आप लोगों को। तो मैं तेजपुर असम पे रहती हूँ और मेरा जो विलेज का नेम है वो है पातीदोय हेडेला, और मेरी जगह का जो पिन कोड है वो है 784506। एंड और क्या ही बताऊँ, मेरे पोस्ट ऑफिस है गोरबंधा, ओके गोरबंधा पोस्ट ऑफिस ओके उधर ही है। एंड और क्या बताओ एड्रेस पे और क्या बताना चाहिए, चलो बता दिया जितना हो सका, ठीक है। आप लोगों को आई होप समझ में आ गया, जो मेरे आसपास पड़ोस में रहते हैं उन लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा। अभी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं YouTube से कितना अर्न करती हूँ। आप लोग सोचते होंगे मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर हैं तो मैं बहुत ज़्यादा अर्न करती हूँ, बट आज मैं आप लोगों को बिल्कुल सच बात बताने वाली हूँ। देखो सब्सक्राइबर आपका 1 मिलियन 2 मिलियन जितने मिलियन क्यों ना हो जाए, अगर आपके व्यूज़ नहीं आएंगे तो आपको कोई भी पेमेंट नहीं मिलेंगे। तो मेरा देख सकते हो यहाँ पे 5 मंथ से मेरा चैनल डाउन पड़ा है, और YouTube का ये है जब तक हमारा $100 कंप्लीट नहीं होते तब तक YouTube वाले हमें पेमेंट नहीं देते। तो गाइस $100 कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, व्यूज़ लाने पड़ते हैं। देखो मेरे कुछ दिनों से ही व्यूज़ आ रहे हैं, पहले की वीडियोज़ में बिल्कुल व्यूज़ नहीं है। तो मेरा $100 अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ, मतलब अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब 6 मंथ होने को अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो मुझे कितना बुरा लगता होगा कि मेरा पेमेंट ही नहीं आते। तो मेरे नेक्स्ट मंथ $100 कंप्लीट होंगे, एंड $100 इंडियन रुपीज़ पे कितना होते हैं वो तो आप लोगों को पता ही होंगे, तो उतना ही मिलेंगे, ठीक है। गाइस अभी मैं बताने वाली हूँ संजू के बारे में। आप लोग पूछते हो संजू आपका बॉयफ्रेंड है क्या या कौन है, तो मैं संजू के बारे में बताने वाली हूँ कि संजू 2 साल से मेरा फ्रेंड है और बहुत अच्छा फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है मेरा, और 2 साल से हम बहुत अच्छे फ्रेंड है। उसके बारे में कुछ गलत मत बोलो, और हम लोग वीडियोज भी बनाते हैं, सिर्फ कंटेंट होते हैं और कुछ भी नहीं होते है। गाइस संजू बॉयफ्रेंड नहीं है तो कौन बॉयफ्रेंड है, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। एक गाइस ये चीज़ आप लोगों का मैंने नोटिस करा, अगर मैं बैच का वीडियो डालती हूँ फिर आप लोग बोलते बैच का ही वीडियो डालते, बैच का ही वीडियो डालते, बैच के लिए तुम पागल हो, ये हो वो हो। अगर बैच के साथ मैं कोई वीडियो डालती भी नहीं हूँ, आप लोग बोलते हो कि दूसरे लड़के के साथ वीडियो बनाते हो, भाई ये लड़की करे तो करे क्या, आप लोग तो मुझे दुविधा में फंसा दियो यार, मैं क्या करूँ किसके साथ वीडियो बनाऊँ। अगर बैच के साथ बनाते हो फिर भी ऐसा बोलते हो, ठीक है। अभी मैं क्लियर करती हूँ कि बैच, आप लोग पूछते हो कि बैच आपका है कौन, आप क्या आप बैच से प्यार करते हो, क्या आप बैच 99 आपका बॉयफ्रेंड है, ऐसा बोलते हो आप लोग, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ बैच 99 मेरा क्रश है, नो बॉयफ्रेंड के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती, वो बहुत बड़े लोग हैं यार, बॉयफ्रेंड सोच पी लूँ तो क्या होगा एक पल के लिए। सो मैंने उसको क्रश की जगह देख के रखे, ऐसा नहीं कि बैच 99 को मैं पसंद करती हूँ तो मैं किसी और लड़के के साथ वीडियो नहीं बनाऊँगी, किसी और लड़के के साथ शादी नहीं करूँगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम बॉयफ्रेंड भी बनाएंगे कभी, कभी फ्रेंड भी बनाएंगे और कभी शादी भी करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसके साथ वीडियो बनाती हूँ, मतलब उसके बारे में वीडियो बनाती हूँ तो उसी से प्यार करना पड़ेगा, उसी से शादी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वो एक लेवल का होता है जो क्रश बोलते हैं, और क्रश हमेशा ऐसा ही होते हैं औकात से बाहर, ठीक है। तो ऐसा ही है मेरा भी क्रश औकात से बाहर, ठीक है। तो यही चीज़ है गाइस, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। सो गाइस अभी मैं ये बताने वाली हूँ मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ, ठीक है। जब भी आप लोग मेरे से पूछते हो मैं बोलती हूँ मैं एक इंसान हूँ, और आप में से सारे लोग कंफ्यूज हो बिकॉज मैं ईद भी मनाती हूँ, मैं दिवाली भी मनाती हूँ, मैं होली भी मनाती हूँ, देखो ठीक है। तो सब लोग कंफ्यूज हो कि मैं हूँ क्या। अगर मैं ईद मनाती हूँ तो वहाँ पे लोग कमेंट करते हो तुम हिंदू हो कि ईद मनाते हो, अगर मैं दिवाली मनाती हूँ तो आप लोग बोलते हो कि तुम मुस्लिम हो कि दिवाली मनाते हो, ऐसे बोलते, ठीक है। तो जो भी ऐसे कमेंट करते हो ना, आपकी सोच जो है बहुत ही घटिया है, आपका दिमाग बहुत छोटा है, ठीक है, बहुत घटिया किस्म की लोग हो आप, ऐसा जो भी बोलते, ठीक है। एंड मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं हमेशा ये क्यों बोलती थी कि मैं एक इंसान हूँ, बिकॉज गाइस मैं हिंदू हो या मुस्लिम हो दोनों को रिस्पेक्ट करती हूँ, सारे रिलीजन को मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, एंड मैं चाहती हूँ मैं सबको ले कर चलूँ, सब का मैं रिस्पेक्ट करूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं हिंदू तो मुस्लिम को मैं नीचा दिखाऊंगी, मुस्लिम हूँ तो हिंदू को नीचा दिखाऊंगी, ऐसा नहीं है। आप लोगों का ना दिमाग सटक गया जो भी ये सब वीडियोस देखते हैं, हिंदू मुस्लिम, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब। मैं हिंदू के बीच में रहती हूँ, मेरे आस पड़ोस में सारे लोग हिंदू हैं बट मैं मुस्लिम हूँ, इसलिए मैं हिंदू का भी रिस्पेक्ट करती हूँ, एंड हिंदू भी हमें रिस्पेक्ट देते हैं, हम भी देते, एंड मैं मुस्लिम भी हूँ, मैं ईद भी मनाती हूँ, मैं
पूजा भी करती हूँ, मैं ईद भी मनाती हूँ, मैं यहाँ पे दिवाली भी मनाती हूँ, मैं होली भी मनाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, ठीक है। तो मैं तो हूँ मुस्लिम फैमिली से, बट मैं सब कुछ करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकती, ठीक है। मैं हिंदू की पूजा में भी जाती हूँ, वो लोग पूजा करते तब भी जाती हूँ मैं, और वो लोगों का पूजा होते हैं तब भी जाती हूँ, हमारा ईद होते हैं फिर भी आते हैं, मैं ईद भी मनाती हूँ, पूजा भी मनाती हूँ, होली भी मनाती हूँ, दिवाली भी मनाती हूँ, सब कुछ। तो आप लोगों को मेरा ये जो सोच है वो कैसा लगता है आप लोग कमेंट पे ज़रूर बोलना, एंड आपका सोच क्या है ये भी कमेंट पे बोलना, ओके।